फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लोरिन्स रेसिपीज। दिस इज लोरिन और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ताले फिश करी, जो कि बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी करी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ताले फिश करी कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 12 पीस सार्डिन मच्छी यानी कि ताले के लिए है, जिसे साफ करके अच्छी तरह से धो दिया है। एक प्याज बारीक टुकड़ों में कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, कुछ करी पत्ते, एक कप नारियल, दो हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, एक बड़ा चम्मच इमली, पानी आधा लीटर या आपके करी के अनुसार आप लीजिए, एक बड़ा चम्मच तेल। यहाँ पे मच्छी इसे साफ कर दिया है, धो दिया है, इसमें डालेंगे नमक, हल्दी और लाल मिर्च। इन सारे मसाले को लगा के अच्छी तरह से मिला देते हैं और इसे 15 मिनट के लिए रख देते हैं। अब एक मिक्सी के जार में हम डालेंगे नारियल, हरी मिर्च, इमली, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और पानी। पानी डाल के अब इसे पीस लेते हैं। ये मैंने मसाला तैयार कर लिया है, इस मसाले को अच्छी तरह से पीस लिया है। मसाला तैयार है, इसे बारीक पीसना है। अब एक बर्तन में तेल गरम करेंगे, गैस को धीमी आंच पे रखना है। इसमें डालेंगे मेथी, तेल जैसे गरम हो जाए मेथी डाल दे, मेथी भून ले, फिर बाद में करी पत्ते और इसे जरा सा मिला लेते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं, इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को भी अच्छी तरह से मिला ले। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे ताकि प्याज जल्दी से नरम हो जाए। थोड़ा नमक डालने से ये हो जाता है कि हमारे प्याज जल्दी से नरम हो जाते हैं और हमें टाइम नहीं लगता। इसी में डालेंगे टमाटर, टमाटर को भी अच्छी तरह से मिला के इसे नरम होने तक हम भूनेंगे। आंच को थोड़ा धीमा ही रखना है। इसमें डालेंगे अब मसाला जो कि हमने पीसा हुआ है, मसाले के साथ थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और इस मसाले को थोड़ी देर भूनेंगे। इस मसाले को भून लिया है, अब इसमें पानी डालेंगे। आपको जितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी डालिए। यहाँ पे मैंने आधा लीटर के करीब डाला है। अब ये उबाल आ चुका है, उबाल आने के बाद ही हम मच्छी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे मच्छियाँ जो कि हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। आज को थोड़ा सा तेज कर लेते हैं, नमक भी इसी में डालेंगे। ये नमक डाल दिया, अब इसे जरा सा मिलाएंगे, ज्यादा नहीं हिलाना है, जरा सा हिलाना है बस। और इसे धीमी आंच पे ढक के 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं ताकि मच्छी अच्छी तरह से पक जाए। 10 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे, ये करी तैयार है। ये अभी तक उबल रही है। अभी इसमें एक थोड़ा सा एक तड़का दे देते हैं। तड़का देने के लिए बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आपको चाहिए तो दीजिए, नहीं तो नहीं। ये मैंने नारियल का तेल गरम कर दिया है, इसमें डालेंगे थोड़ी सी करी पत्ते, एक लाल मिर्च सूखी हुई जिसे मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया है और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च। इस तड़के को हम करी में डाल देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आपको नहीं डालना है तो न डालिए, बिल्कुल ऑप्शनल है। ये हमारी करी तैयार है। ये ताला करी बिल्कुल तैयार है, टेस्टी और स्पाइसी करी।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching. If you like my mama's video, so please like, comment and subscribe to our YouTube channel, and don't forget to press the bell button.